मुझे कभी कभी याद दिला दिया कर सकते हैं आप भी, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग चालू करना थोड़ी देर शुरू में भूल जाते हैं, फिर किसी को याद आता है तो वो शुरू के 2-4 मिनट 5 मिनट का रिकॉर्ड रह जाता है। पर हम कोशिश करते हैं कि जब पे हम ऐसा कभी हुआ हुआ हो तो फिर से वही वही बातें करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी देर पहले हुई थी, तो फिर वो आ जाता है उसमें। और खैर अभी तक की किसी भी रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होने दिया है हम लोगों ने, कोशिश की है हर बार कि कोई ना कोई याद दिलाई देता है मीटिंग के अंदर। तो एक सेकेंड, जरूर चारुलता जी को ज़रा मैसेज कर दिया जाए। चारुलता जी प्लीज लॉग इन अगेन। आपकी आवाज नहीं है, देखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज यदि रहेगी तो उसके सामने कुछ तो माइक जैसा एक आइकन भी बन जाता है, वो अभी इनके इसमें बना ही नहीं है, तो लग आई रहा है कि थिंक वो कोई ऐसी डिवाइस से लॉग इन है, टैबलेट वैबलेट टाइप होता है जिसमें माइक या वो संभावना नहीं होती है। उनको ऐसा कॉल कर दिया जाए, ग्रुप मैंने ट्राई में तो किया, मैसेज छोड़। ग्रुप में मैंने डाला, अब इससे ज़्यादा और क्या डालूँ कि कक्षा चालू हो गई और चारुलता जी को मैंने अलग से, मैंने तो सभी को कॉल किया अभी एक्चुअली। आपके अभिषेक जी किधर रह गए? हाँ मैं वही आपको, जब हमारा लॉक था, जब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तब मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा था। तो वो उनके माता जी के साथ कहीं बाहर हैं, कुछ शॉपिंग के लिए। हाँ एक सेकेंड, चारुलता जी आप किस चीज़, हाँ आप किस चीज़ में लॉग इन है? आपके फ़ोन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइक नहीं दिख, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिए, कुछ सिखाना नहीं है, वही लिंक अभी लाल बटन पे क्लिक कीजिए, लाल बटन। शिवानी जी आप ज्वाइन कर रही हैं? ये 4 बजे का टाइम ना आपका ही टाइम है शिवानी जी, आपको सबसे पहले आना है यहाँ पे। हाँ, इस टाइम पे और कोई, हाँ ठीक है चलिए चारुलता जी, हाँ ठीक है देख लीजिए जल्दी से। हाँ चारुलता जी आपको लाल बटन दिख रहा होगा उससे डिस्कनेक्ट कीजिएगा और एक बार वही लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलो अभी मैंने चारुलता जी को थोड़ा सा हिंट दे दिया, असल में वो उनकी कोई पोती है वो आसपास रहती है तो वो उनको कनेक्ट करा देती है, आज वो नहीं है शायद आसपास, वो बोल रही है कि पोती बाहर गई है, पर ठीक आपको है। बता रहा था, तो अभिषेक जी से मेरी अभी जस्ट क्लास शुरू होने के पहले मैंने बात की, तो वो माता जी के साथ बाहर गए हुए शॉपिंग के लिए, तो आज किसी कारणवश नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन कल हाँ ज्वाइन कर ठीक पाएंगे है, और पुराने लेक्चर्स पहले देख लिया करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे हम, सो दैट हाँ नहीं सारा भी पूरा देखा हो तो डिटेल। आप इस शर्म के मारे मत छोड़िए क्लास की, नहीं आ रहे क्योंकि हर सेशन में हम पिछले चीज़ों का रिवीजन करते हैं, क्योंकि अभी ये शुरू शुरू के हैं, धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ेंगे तब पीछे का रिवीजन करना हर बार संभव होना कम हो जाएगा क्योंकि हम थोड़ी एडवांस चीज़ों पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तो कर सकते हैं। ठीक है तो मैं आपको चालू कराता हूँ, तो सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं कि दुनिया की 100 से भी ज़्यादा भाषा, और एक्चुअली 126 हैं, और इतनी भाषाएं संस्कृत पे बेस्ड हैं, इतनी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, सबसे पुरानी भाषाओं में से है, कई लोग कहते हैं कि तमिल भी उससे भी पुरानी है या लगभग उतनी ही पुरानी है, तो उसमें कोई कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की कोई बात ही नहीं है, हर भाषा का अपना एक सम्मान है।
और आपने यदि सुना होगा तो दूरदर्शन पे भी संस्कृत का एक प्रसारण आता है, संस्कृत में सवेरे समाचार। सवेरे सर 6 या 7 बजे कुछ आता है। हाँ, तो जब भी समाचारों का समय होता है, मेरे ख्याल से दिन में दो बार आते हैं, सुबह भी और शाम को भी, तो संस्कृत का, यदि आपको और भी आदत डालनी है इस भाषा की, तो आप बिल्कुल उसको भी देखना चालू कर सकते हैं, सुनना। धीरे धीरे आदत पड़ती है, तो हम जैसे जैसे सीखेंगे, हम काफ़ी सारी बोलचाल की चीज़ें जो हम तुरंत के तुरंत, अब भी आप यदि मीटिंग में से निकलेंगे और घर पे जाके या मित्रों से किसी से भी आप उन चीज़ों पे बात कर सकते हैं संस्कृत में, तो हम वो चीज़ें सीखेंगे, और ऐसे ही हम हर चीज़ को सीखते जाएंगे जिनका हमको हर दिन के जीवन में काम पड़ेगा या काम हम तुरंत ला सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ग्रुप में आएंगे, अभी चारुलता जी ने फिर से ज्वाइन किया है और अभी भी वही हो रहा है, उनका आवाज़ नहीं आ रही, उनका उन्होंने माइक म्यूट से रखा है मेरे को। कनेक्टेड ही नहीं। अरे नहीं कुछ अरे, था गुरु जी, माइक उनको का सिर्फ एक साइन ही नहीं बार है, माइक का देखो। साइन नहीं है उनके। हाँ, ओके तो वो माइक उसी तरह से, वो एक कुछ एक कनेक्ट ऑडियो कर का एक कहीं ऑप्शन दिखता है, कनेक्ट ऑडियो, तो मेरे ख्याल से उनका ऑडियो डिसकनेक्टेड है, वो मीटिंग में तो लॉग्ड इन है पर वेबएक्स में कहीं पे आपको भी दिखेगा डिस्कनेक्ट ऑडियो करके, सिर्फ ऑडियो डिस्कनेक्ट करके आप वापस कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो जो 3 डॉट है ना वहाँ पे वो टिक करें तो वहाँ पे उनको ऑप्शंस दिख जाएंगे, स्विच स्पीकर माइक। हाँ, चारुलता जी को किसी तरह समझाना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, एक सेकेंड इनको कॉल कर ही लेता हूँ फिर से, इनको बता देते हैं, क्योंकि वो बड़े इंटरेस्ट से आती हैं हमेशा अपनी मीटिंग में। चारुलता जी, आपको आपके स्क्रीन पे कोई तीन तीन बिंदियां दिख रही हैं कहीं पे, आपको आपके स्क्रीन पे तीन बिंदियां दिख रही हैं कहीं पे, या फिर एक माइक का साइन दिख रहा है क्या कहीं पे, जहाँ उसमें माइक के जैसा एक माइक का कोई साइन बना है, एक माइक जैसा बना रहता है छोटा सा स्क्रीन पे, देखिए एक उंगली टच, हरे कलर में, हरे कलर का माइक जैसा दिखता है, हरा या लाल कलर का हरी कलर की कैप्सूल होगी छोटी सी, वैसे कुछ दिखेगा उनको। कैप्सूल जैसा आकार होता है ना, जैसे हम दवाई की कैप्सूल खाते हैं उसके जैसा एक आकार का छोटा बटन दिख रहा है क्या कहीं पे, देखिए। हाँ चारुलता जी, तो आपने अभी आई, तो अभी आपने जैसे इधर पे म्यूट और अनम्यूट किया ना, आपने कॉल पे किया, ठीक है जी, ये वाली कॉल पे, अब आप वो जो मीटिंग में लॉग इन किया है उसमें भी यही कीजिए जो अभी आपने किया, और मीटिंग का स्क्रीन तो दूसरा होगा, उसमें देखिए करके। चलो भाई, ओजस जी भी आ गए, नमो नमः ओजस महोदय। नमो नमः ओजस महोदय, आपको आवाज आ रही है? ओजस महोदय, आपको आशा है कि आवाज़ आ रही होगी। आम आम नमो नमः महोदय। नमो नमः। तो कपिल जी, ये पहला आपका छोटा सा पार्ट है, ये जब भी हम कक्षा में आते हैं या जाते हैं, और ये सिर्फ कक्षा के लिए नहीं, आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। सर्वेशां नमो नमः, मतलब सभी को नमस्कार, सर्वेषां नमो नमः। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। यस जरूर दिख रहा है।
और जब भी कुछ आपको हाँ में उत्तर देना है तो आप आम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अभी ओजस महोदय ने किया, आम आम मतलब हाँ। और यदि कुछ नहीं या मना करना है तो न जो है वो बिल्कुल वैसी का वैसा संस्कृत में उपयोग होता है, न। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, पर हम धीरे धीरे इनके और भी उपयोग सीखेंगे। तो अब जो है सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शायद आपको पता होगा कि तीन अलग अलग अक्षरों से मिलके बना है, दो स्वर हैं एक व्यंजन है, अ उ और म। तो इस तस्वीर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अ पेट के आसपास से, उ जो है हृदय के आसपास से, और म हमारे कंठ के यहाँ पे। तो ये असल में जो सात चक्र होते हैं, यदि आपको चक्रों की जानकारी है, तो ये सातों चक्रों में से उनके आसपास की जगहों से ये आवाज़ें निकलती हैं। तो उ और म तो बिल्कुल अनाहत और विशुद्धि चक्र से निकलते हैं। अनाहत मतलब हृदय वाला चक्र, और विशुद्धि मतलब कंठ जो हमारे गले में होता है। और अ जो है वो पेट के नीचे नाभि के आसपास से वो आवाज़ निकलती है, तो उसको मणिपुर चक्र के आसपास से निकलती हुई आवाज़ मान सकते हैं। स्वादिष्ठान से कुछ निकलता है। अलग अलग वैसे इनके हर चक्रों के एक एक मंत्र हैं, तो वो अलग चीज़ है, पर हम सिर्फ ओम के बारे में अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओम क्या है कि जब हम अ का उच्चारण करते हैं, तो ये क्योंकि वहाँ नीचे से निकल के आ रहा है, जब आप इस तरह से करेंगे, अभी मैं करवाऊंगा 1 मिनट में, तो जो ऊर्जा का संचार है हमारे शरीर का, नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप होता है, अ उ और म करने से। और ये ब्रह्मांडीय आवाज़ है, मतलब इन तीनों को बोलते समय आपको मुंह के अंदर के किसी भी अंग का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए यही कि है ये आवाज़ें गाय या और भी कई जानवरों के मुंह से भी सुनने मिल जाती है। जैसे आप गाय की आवाज़ भी सुनेंगे तो माँ तरह की आवाज़ आती है, तो म और अ उसमें भी वही आवाज़ है, क्योंकि इन आवाज़ों को निकालने के लिए अलग से दांत की या जीभ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को जब इसी क्रम में हम बोलते हैं, अ उ और म, तब जो शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार है वो सही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। और इसीलिए आपने यदि महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में सुना है, तो महाशिवरात्रि क्यों मानी जाती है? पता नहीं, साल में कोई एक स्पेशल ग्रह के अनुसार कुछ योग बना होगा, शिव जी के संयोग में बैठता होगा शायद, मुझे इतना हाँ, ज्ञान तो नहीं ये है। देखिए, तो ऐसी चीज़ें हमको पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो है अपन हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत गहरे घुसना चाहते हैं, तो हमको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम पता लगाएं तो बहुत फ़ायदा है। तो कई लोग आपको बोलते हुए मिल जाएंगे कि महाशिवरात्रि पे शंकर पार्वती जी की शादी हुई थी, इसलिए उसका महत्व है। अब इसको शादी से इसलिए जोड़ा गया है ताकि लोग इसको, एक सेकेंड, ये तार खींच रहा है थोड़ा, एक सेकेंड। इसको शादी से इसलिए जोड़ा गया ताकि लोग इसको अपने आप किसी ना किसी तरह से मनाने लगें, या उस पे अब मनाना क्या है, तो उनकी शादी को मनाना है वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसको धर्म से जानबूझ के जोड़ा गया है। महाशिवरात्रि पे क्या होता है कि पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो अपने आप नीचे से ऊपर निकलती है, उस दिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा निकलती है। तो उस दिन यदि आप सीधे बैठे हुए हैं या सीधे खड़े हुए हैं, उस दिन मतलब उस रात को, महाशिवरात्रि की रात मतलब समझ लो शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो यदि उस दिन आपने देखा होगा कि बहुत जगह रात्रि जागरण भी होते हैं महाशिवरात्रि के, तो उस दिन यदि आप सीधे हैं, ज़मीन के परपेंडिकुलर, ज़मीन के लंबवत,
तो फिर आपकी जो शरीर की ये वाली ऊर्जा है जो अभी मैंने बताया कि ओम की मदद से भी वो उसी दिशा में जाती है, वो अपने आप होगा, वो प्राकृतिक रूप से होगा। और उस दिन बहुत तेज होता है, अच्छा खासा होता है, क्योंकि उस दिन पृथ्वी भी आपकी मदद कर रही है। तो उस दिन यदि आप ध्यान में बैठे, योग में बैठे, और उन सब में नहीं भी बैठे हैं, तो भी आप जस्ट सिर्फ कहीं पे बैठे हैं और आराम से आप जागरण कर रहे हैं, तो उस दिन असल में बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे शिव पार्वती का विवाह और भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम योजना बना के किए जाते हैं ताकि लोग जगे रहें। उद्देश्य यह है कि लोग जगे रहें और सीधे बैठे रहें, मतलब आप लेट के जगे उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो ऊर्जा है, इसका जब नीचे से ऊपर चढ़ाव होगा तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार सही दिशा में हो रहा है, तो अपने आप शरीर की मदद होती है, चक्र आपस में मिलजुल के काम करने के लिए सक्रिय होते हैं, जो कि बड़ी चीज़ है। तो जो चीज़ आप सिर्फ ओम बोल के बहुत आराम से कर सकते हैं, तो इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं कुछ लोग कोई लिखते समय, जैसे कोई नया किताब पुस्तक बनाई, नोटबुक बनाई, तो उसमें लिखते समय कॉपी बनाई तो उसमें ऊपर ओम लिखते हैं। तो अब ओम अकेले लिखने का फायदा नहीं है जब तक आप उसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो यदि आपने किसी को भी लिखते हुए देखा या आप खुद भी लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसका उच्चारण करना भी अनिवार्य करें, जो भी कर रहा है उसके लिए, तब उसका फायदा है। और इसलिए भी हमारे हजारों लाखों मंत्रों में शुरुआत ओम से होती है, क्योंकि वो अपने आप ऊर्जा का संचार शरीर में करता है। तो अब हम ओम का एक बार अभ्यास करते हैं, तो पूरा 1 मिनट तक करेंगे, लगभग 5-6 बार हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको आंखें बंद करके हम लोग सब साथ में, मतलब मैं एक बार बोलूंगा, फिर पीछे से आप बोलिए, फिर मैं फिर एक अगली बार बोलूंगा, फिर आप पीछे से बोलिए। तो हम क्या करेंगे कि अ उ और म तीनों को लगभग मिलते जुलते समय तक बोलेंगे। तो मतलब यदि आप अ 2 सेकंड तक बोल रहे हैं, तो उ और म भी 2-2 सेकंड ही उसके बाद में हम बोलेंगे, तो लगभग समान उसका समय होना चाहिए, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जितनी भी आपकी सांस श्वास की क्षमता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अब ओजस जी आप तैयार हैं? ठीक है, माना कि ओजस जी भी तैयार हैं। और चारुलता जी फिर से आ गई हैं, पर कुछ तो उनको अभी भी मुश्किल हो रही है। आपकी आवाज शायद से कट हो रही है अंशु मेरी आवाज कट रही? कपिल जी आपको भी? जी, मुझे क्लियरली आ रही है आवाज, शायद सफारी ओजस अभी क्लियर आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। ठीक है, चलो तो अब हम ओम का उच्चारण करना चालू कर रहे हैं। तो हर कक्षा में सबसे पहले हम यही करते हैं कि 1 मिनट के लिए हम अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और सही दिशा में लेके आते हैं। और अंदर आपको पता चलेगा जब आप आंख बंद करके करेंगे ना, तो आप अनुभव करके समझ के देखिए कि जब आप अ बोल रहे हैं तो कहाँ से आवाज आ रही है शरीर में, फिर ऊ जब बोलते हैं तो आपको अपने आप लगेगा कि आवाज थोड़ी सी ऊपर आई, और फिर जब अंत में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अब गर्दन में से, कंठ में से निकल रही है। ठीक है, तो आंख बंद करके अनुभव करके देखते हैं। चलिए,
चलिए अभी आंखें खोल सकते हैं आप, और जो भी संभव हो अपना अपना वीडियो चला के रखें तो अच्छा है, दर्शन होते रहते हैं जैसे जैसे हम बात करते हैं, नहीं तो दर्शन यहाँ पे मैं ही अकेला एक दर्शनीय बना रहा हूँ तो क्या फायदा। तो यदि वीडियो संभव है तो चला दीजिए, अच्छा लगता है, एक की जगह 10 मुस्कुराते चेहरे हुए नजर आएंगे। तो अभी आपको शरीर के अंदर कुछ अच्छा अच्छी ऊर्जा अनुभव होती है? मुझे माइंड में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं इसका जाप करता हूँ जब भी हाँ मुझे मेंटली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे हाँ एक बहुत ही शांति महसूस। परफेक्ट, तो उत्तमम, असल में जब भी हम अच्छा है या बढ़िया है बोलेंगे तो उत्तमम संस्कृत में, किसी को भी आपको तारीफ करनी है, आपने देखा भी होगा मैं कभी कभी ग्रुप में यदि लिखता हूँ तो मैं उत्तमम लिख बिल्कुल देता हूँ, तो मतलब अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे ऐसे। तो तमाम हम इसको धीरे धीरे अपनी आम भाषा में उपयोग करना चालू करें, तो आपके आसपास जो लोग हैं, आप मित्र हों चाहे परिवार वाले हों, उनको भी धीरे धीरे मजा आने लगता है कि अरे यार ये तो बढ़िया, सुनने में अच्छा लगता है, उत्तमम। ठीक है, तो जो आप बोले सही है कि मन में अच्छा लगता है, तो असल में वो क्योंकि पूरे शरीर में ऊर्जा सही दिशा में जा रही है इस टाइम उस समय ओम बोलने के कारण, तो इसलिए अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम शुरू करने के पहले हम कोई ना कोई ओम से जुड़ा हुआ मंत्र या एक आसान सा हरि ओम या ओम नमः शिवाय बहुत लोग कहते हैं, और उसको कहने के इतने सारे बहाने निकाल लिए लोगों ने कि बहुत मतलब आश्चर्य भी होता है कि कितना बढ़िया है। जैसे डकार आई या हिचकी आई तो हरि ओम, किसी को छींक आई तो हरि ओम, खांसी आई तो हरि ओम, तो वो कहीं ना कहीं से लगातार बार बार अपने मुंह में आ जाए, अपने शरीर में आ जाए वो ध्वनि, तो उसके फायदे फायदे ही फायदे हैं। तो अब आप महाशिवरात्रि के बारे में समझ गए, दो चार और लोगों को आप बिल्कुल आराम से पूछिए, नहीं पता तो बताइए। मैं जरूर याद रखूंगा। खैर मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं कि मैंने कहीं कहीं पर ऐसा ज्ञान सुना है कहीं ऐसे दृष्टांत के ऊपर, लेकिन फिर एक समय के बाद वो दिमाग से निकल जाता है या फिर मेरी मस्तिष्क की क्या कहते हैं याद रखने की शक्ति कम है। याददाश्त भी एक चीज है, पर हाँ हम इन चीजों में यदि जुड़ने लगे ना, जैसे जब से मुझे पता चला है, मुझे भी पता चले बहुत समय नहीं हुआ, लगभग 3-4 साल हुए होंगे, महाशिवरात्रि तो हम बचपन से मना रहे हैं, लेकिन उसका ये महत्व है कि उस दिन ऊर्जा अपने आप प्राकृतिक रूप से जमीन से नीचे से ऊपर उठती है, वो चीज मुझे 4 साल पहले के आसपास पता चली। तो जब से पता है तब से मैं फिर हर महाशिवरात्रि पे पक्का कोई ना कोई ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ पूरे रात भर के आयोजन रहते हैं, तो हम बढ़िया बैठ के, या हम नॉर्मली मैं सेवा भी करता हूँ तो और भी बहुत लोग आए हैं, लाखों लोग रहते हैं, जैसे 2-3 साल से तो मैं कोयम्बतूर आदियोगी जो प्रतिमा है कोयम्बतूर में सदगुरु के आश्रम में वहाँ जाता हूँ, तो जहाँ भी मौका मिले अपन सेवा भी करते हैं और रात्रि का लाभ भी उठाते हैं। तो अभी अब हम जुड़ गए हैं तो अब हमको याद रखने की जरूरत नहीं, अब हमको पता है कि उस दिन क्या होता है, और ये भी पता है कि बिल्कुल शंकर पार्वती का विवाह यदि कोई कह रहा है तो वो गलत नहीं है, उस दिन शंकर पार्वती जी ने जरूर विवाह भी किया होगा, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी भी एक मनुष्य थे,
जैसे राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, एक ना एक टाइम समय पे वो मनुष्य थे और वो हमारा इतिहास है। अब लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। तो हाँ बोलिए ओजस्वी। अच्छा आप पहले पूर्ण कीजिए। नहीं, मैंने बोल लिया अभी, अच्छा मैं अच्छा पहला क्या बोलूंगा। महाश्वेत के दिन एक्चुअली जब मैंने शिव पुराण पढ़ा था, शिव पुराण में, कि उस दिन शिव जी ने बारात लेकर उधर पहुंचे थे, हिमवान के उधर उनका विवाह बारात हुआ लेके था अक्षय पहुंचे थे। तृतीया को। उस दिन हाँ उस दिन अच्छा, उनका हुआ ही नहीं था, उनका विवाह अक्षय तृतीया का हुआ था। तो उसके लिए वो शादी बहुत ही शुभ करने, राशि तिथि मानी जाती है। तो शादी करने उस उसके बाद आज कहानी है कि शिवरात्रि के दिन पहुंचे थे बारात हाँ लेके। उस दिन उनको विवाह हुआ नहीं था, क्योंकि बाद में उनकी जो माता जी थी पार्वती माता की, मेनका माता, वो उन्होंने मंजूर नहीं किया। बाद में बहुत लंबी कहानी है, बाद में वापस अक्षय 3 महीने के बाद उनका वापस विवाह हुआ, तो वो गया था चलो उसके बीच। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। तो हर तिथि का अपना एक कहानी से जुड़ा भी हुआ है ताकि उसका महत्व जो है याद रखने में आसानी हो। कोई ना कोई कहानी यदि जुड़ी होती है तथ्यों के साथ तो अच्छी बात है। तो आप ये वाली कहानी या और कोई कहानी भी कभी होगी तो ज़रूर बताइएगा ओजस जी फिर से। और कपिल जी, अवश्य आपका थोड़ा अवश्य सा परिचय भी एक बार दे दीजिए। ओजस जी भी अपने नए हैं अपने ग्रुप में, तो उनको भी समझ जाएगा। हाँ। ओजस्वी नमो नमः, प्रभु नमो जी नमः। नमो नमः, चारू जी नमो नमः। मेरा नाम कपिल, मुंबई में रहता हूँ, और क्वालिफिकेशन जो आधुनिक पढ़ाई है उसके अनुसार कंपनी सेक्रेटरी हूँ और लॉयर हूँ, और मैंने कुछ एक डिप्लोमा भी किया है सिक्योरिटी फॉर्म में, लेकिन वो आधुनिक है और काफ़ी नॉन मटेरियलिस्टिक कोर्सेज हूँ। में मेरा कुछ इतना अभी कोई मुझे पढ़ा पार नहीं, मेरी इच्छा वही है। मैं इंटरेस्टेड हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ता हूँ, काफ़ी जानता हूँ, कोई पढ़ाव सच नहीं, तो असल पढ़ाई यही है आध्यात्म की और ये संस्कार अरे आप है। मुंबई में कहाँ रहते हैं? जोगेश्वरी मुंबई में जोगेश्वरी में रहता से मेरे काम बोरीवली में। हूँ। चलो बहुत बढ़िया है, तो मुंबई वाले तो आपस में मिल ही सकते हैं कभी ना कभी। ओजस जी क्या करते हैं? मैं तो अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अरे अरे कोई नहीं, कोई नहीं, क्या इतनी उसके बड़ी बात है, लिए 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, नहीं, अभी आपके पास बहुत समय है, खूब जिससे आपको समय। अभी पछताना नहीं। हाँ जो चीज के लिए मैं पछता उसके रहा हूँ लिए। वो चीज आप अभी से कर लें। हाँ, खैर धन्यवाद। पछताने की तो जरूरत कभी भी नहीं है। यदि हम जागे हुए हैं, आज जागे चाहे 10 साल पहले जागे, हाँ जब सबसे जागे सवेरा तब होता है। सवेरा, हाँ उसको ही हमको अपना आशीर्वाद वाला दिन समझ लेना चाहिए कि चलो यार किसी ने तो मुझे जगाया। फिर भी एक प्रेरणा देने के लिए ओजस जी हाँ आप जल्दी आए हैं, तो ये प्रेरणादायक आपके हाँ उम्र नहीं, पर वालों को। बहुत अरे अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद बड़ी बात है, धन्यवाद। क्योंकि ओजस जी यदि सीखेंगे या समझेंगे अपनी बहुत सारी चीज़ों को, तो उनके पास और भी बड़ा शायद ऑडियंस है, या उनके साथ में पढ़ने वाले आगे भी पढ़ेंगे जब वो कॉलेज हाँ में जिनको जाएंगे, मैं आगे, हाँ वो है तो उनको भी वो प्रभावित कर उसको सकते हैं, मतलब सही दिशा में प्रभावित कर सकते हैं। नहीं तो भी ये वाला उम्र जो है भटकने के सही लिए भी बहुत आसान है, स्कूल और कॉलेज वाली जो ये वाला समय बात। होता है, तो अच्छा है, हाँ दिशा अच्छी दिशा मिल रही है तो बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद चलिए तो अभी धन्यवाद। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मुझे चारुलता जी ने पिछले हफ्ते एक बड़ा छोट रुचिपूर्ण बात बताई कि पुराने हमारे जमाने में ऋषिकुल होते थे जिनको हम गुरुकुल भी कहते हैं। तो ऋषिकुल का एक बन के या बिगड़ के जो भी कह लीजिए, जो अंग्रेजी का स्कूल शब्द है वो ऋषिकुल से बन के निकला है। ये चीज ऋषिकुल हम
पिछली बार चारुलता जी ने हमको बताई। चारुलता जी हमारी एक और प्रतिभागी हैं जो मोहा जी हैं, वो बैच समूह एक में हैं अभी। वो तो लगभग 3-4 महीने से जुड़ी हुई हैं संस्कृत सीखने में, तो उनकी काकी जी हैं। तो चारुलता जी मोहा जी की काकी जी हैं, तो अच्छा 70+, 70 से भी ऊपर है उनकी उम्र। इसलिए कई बार जैसे वो कुछ पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे करें वो कैसे करें, तो हमको समझता है क्योंकि उनको फोन पे मदद करने के लिए भी कोई ना कोई घर में रहता है, तब वो ये मीटिंग में आ पाती हैं। तो अभी मुझे इस बार बात करनी पड़ेगी उनके घर पे किसी से, ताकि उनको सिखा दिया जाए कि कैसे आना है। नहीं तो ये अभी देखो चारुलता जी दिख रही है पूरे टाइम मीटिंग में, लेकिन उनको पता नहीं आवाज नहीं आ पा रही, हमको उनकी आवाज नहीं आ रही। तो वो ठीक है, बाद में वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगी, देख लेंगी आशा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रश्नोत्तर की मदद से सीखना चालू करेंगे, और आपको वो इतने आसान है कि आप कपिल जी आप भी आराम से समझ जाएंगे। तो ओजस जी आपसे चालू करते हैं, और फिर आप जो है प्रश्न को आगे बढ़ा दीजिएगा कपिल जी पे। ठीक है, तो पहले आपको जवाब देना है, अच्छा फिर आपको आगे प्रश्न पूछना है कपिल जी, आपके जानकारी के लिए। ओके तो मम नाम अंशु, भवतः नाम किम ओजस जी? नाम ओजसः, भवतः नाम किम अंशु कपिल जी? मम नाम कपिलः, भवतः नाम अंशु जी? मम नाम अंशु, अहम, भवतः नाम किम? हाँ भवतः तो मैं आता हूँ अभी वहां पे, फिर से आऊंगा। भवतः जब हम पुल्लिंग से बात कर रहे हैं, लड़कों से हम पूछ रहे हैं, तो भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम मतलब स्त्रीलिंग। भवत्याः तो आप किससे पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आप बदल सकते हैं। और ये भवतः और भवत्याह में सम्मान पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसका शाब्दिक यदि हिंदी में आप अर्थ सोचेंगे तो ये आपका है, आपका नाम क्या है, चाहे लड़का या लड़की जिससे भी आप पूछ रहे हैं उसके बाद। ठीक है, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती जाएंगी, आपको जब चाहिए रिवीजन आप आराम से कर ही सकते हैं, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते का भी शायद। तो मम नाम अंशु, अहम संस्कृतम पठामि, किम पठसि त्वम ओजस जी? अहम संस्कृतं पठामि, किं पठसि त्वं कपिल जी? अहम संस्कृतं पठामि, किं पठसि? अहम संस्कृतम लिखामि, क्षम्यताम, पहले मुझे आपके प्रश्न का ही जवाब देना है। तो अहम संस्कृतम पठामि, अहम संस्कृतम लिखामि, किम लिखसि भवान ओजस जी? अहम संस्कृतम लिखामि, किम लिखसि भवान कपिल जी? अहम संस्कृतम लिखामि अंशु जी, किम लिखस भवाम अंशु जी? ओके, तो ये भवान आपको समझ रहा है ना, भवान भी उसी तरह का है जैसे हम भवतः और भवत्या यूज उपयोग करते हैं, वैसे ही भवान और भवती। तो भवान और भवती का मतलब आप, और भवतः और भवत्याः का मतलब है आपका। तो वो अलग अलग विभक्तियां हैं आप शब्द की, भवान भवती जो है सिर्फ आप है। तो जब हम पूछ रहे हैं कि आप क्या पढ़ते हैं या आप क्या लिखते हैं, तो किम पठसि, और ये भी आपको समझ रहा होगा कि जब हम सामने वाले से पूछ रहे हैं तो पठसि जो ये सी लगता है लिखसी, लेकिन जब खुद के लिए उत्तर देते हैं तो पठामी लिखामी आमी पे आ जाता है वो। अंशु ठीक है, इनमें से कुछ चीजें शायद आपको अपने जी, विद्यालय के समय से भी याद होंगी। हाँ बोलिए ओजस जी।
अभी है ना, एक्चुअली यज्ञ स्टार्ट होगा तो मैं जा रहा हूँ, तो चलेगा ना? आपका यज्ञ चालू हो रहा है? हाँ, 5 बजे से स्टार्ट होता है उसके लिए, 5 से बाद में लंबा है थोड़ा उसके लिए, बाकी तो रोज तो ऐसा टाइमिंग का कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ आज हाँ अष्टमी है तो उसके लिए। हाँ ठीक है। तो 5 बजे मतलब आप थोड़ी देर बाद जाएंगे या अब भी जाना है? अभी जा रहे हैं क्योंकि 5 बजे स्टार्ट होगा ये अपना। अच्छा, और आप ही को करना है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ही करता हाँ ठीक है, चलिए। तो नमो नमः ओजस जी, हूँ। क्षमा 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 अपना क्या बोल, क्षमा क्षम्यताम, क्षम्यताम क्षम्यता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्षम्यता। हाँ क्षम्यताम, तो मतलब क्षमा कीजिए मुझे। हाँ चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल हाँ बिल्कुल, शाम। चलिए। नमो नमः। चलिए, नमो नमो। ठीक है, तो ओजस जी जा चुके हैं। तो आपको किम लिखा सी त्वम तक समझ में आ गया, इसका आपने उत्तर दिया क्या कपिल जी? किम लिखा स्तम, हाँ, या किम लिखा सी भवान? अहम लिखस, अहम लिखस, अहम संस्कृत लिखा लिखस इज दैट राइट? लिखामी, लिखामी। हाँ, अहम संस्कृत लिखामि। हाँ किम संस्कृतम। लिखस भवान, किम लिखस भवान। हाँ तो लिखसी को आप बिल्कुल साफ साफ आराम से बोल सकते हैं, उसको जल्दी में बोलने की चिंता मत कीजिए। लिखसी, जब सी अलग से सुनाई आएगा तभी वो सामने वाले को समझ में आएगा कि मुझसे बात हो रही है। ठीक है, और आप अभी भी कागज और पेन या पेंसिल कुछ साथ में लेके बैठिए हमेशा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जब बात करते हैं या लिखते हैं तो आप उसको लिख लिख के भी करते जाइए। जैसे अभी आपने ग्रुप में देखा होगा, ओजस जी ने अपने नोट्स बना के पोस्ट किए हैं, तो अच्छे वो, और ऑलमोस्ट हर कोई अपने ग्रुप में लिखता है। मतलब मैं पहले से बोलता हूँ कि आप जो भी सीख रहे हैं उसको लिखते भी जाइए, तो साथ में भी एक डबल अभ्यास होता रहता है, एक और एक्स्ट्रा अभ्यास होता रहता है। तो यदि अभी नहीं है तो ठीक है, पर आप आगे से कुछ ना कुछ साथ में रख सकते हैं, और नहीं तो जरूर जरूर फोन पे ठीक। भी कर सकते हैं। फोन पे आप लिखना चाहें तो कई सारे फोनों में वो रहता है ना, थोड़ा बहुत लिखने की जैसे फ्री हैंड ड्राइंग का एक वो संभावना रहती है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। वो भी कोई कोई भी जगह पे लिखिए, वो चलेगा, चाहे वो स्लेट हो, चाहे कागज हो, कुछ भी हो। अच्छा, तो अभी अहम वदामि संस्कृतम्, किं वदसि भवान कपिल महोदय? अहम नहीं, वदामि, वद मतलब बदाम। बोलना। ये ओके। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, जैसे पढ़ना, पठना, पठ जो है क्रिया जो है वो पढ़ने के लिए है, लिख लिखने के लिए, वैसे ही वद बोलने के लिए। तो जब हम वदामी या वदसी सुनेंगे तो वो हम बोलने के बारे में बात कर रहे हैं। तो वदामी वदसी, वदामी वदसी। हाँ, जैसे मैं तुम या आप से पूछ रहा हूँ सीधे सामने वाले से, तब मैं वदसी बोलूंगा या लिखसी पठसी, और जब मैं खुद के लिए बता रहा हूँ कि अहम वदामी या अहम लिखामी, तो वो आमी लगाना है। ठीक है, तुम और मीन्स तुम, भवान मीन्स आप, आप, हाँ परफेक्ट। और भवत्या, भवत्या मीन्स फीमेल। हाँ आपका, तो भवत्याः और भवतः जो है दोनों का मतलब आपका ही है, और भवान और भवती दोनों का मतलब आप है, सिर्फ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के हिसाब से वो आप बदलेंगे कि भवान लड़कों के लिए, भवती लड़कियों के लिए। ठीक है, और भवान ये भवती क्या है? भवान भवती। आप, हाँ ओके। जैसे अपन पूछ रहे हैं ना किम पठसि त्वम, तो त्वम मतलब तुम, तो तुम या आप को हम
साथ में उपयोग कर सकते हैं, सम्मान के साथ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे, और किसी साथ वाले से या छोटे से बोल रहे हैं तो आप तुम बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या सीखते हैं इसमें कि हम हमेशा भवान या भवती ही उपयोग करें, तो फिर हमको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि रिस्पेक्ट देना है कि नहीं देना है, क्योंकि वो हर किसी से आप बोल सकते हैं, उसमें फिर छोटे बड़े का भेद की जरूरत नहीं है। और आपने ये चीज यहाँ पे सुनी भी होगी, जैसे पुत्रवान भव भव या पुत्रवती भव, अपन किस कोई बड़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं ना, हमको भी कहते हैं, या साथ में अपनी बहन या पत्नी को भी कहते हैं, तो पुत्रवान या पुत्रवती, तो वो यही है, वान या वती, उस पे वान निर्भर। तो पुत्रवान यदि कह रहे हैं मतलब किसी लड़के को आशीर्वाद मिल रहा है, और पुत्रवती भव यदि कह रहे हैं तो किसी लड़की को आशीर्वाद मिल रहा है। भवत्याः और भवता, भवत्याः और भवता, भवतः 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 भवत्याः। ओके, हाँ, और उपयोग करते जाइए, जैसे जैसे हम कक्षा में रहते हैं आप जितनी बार जो भी उपयोग करना है, भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम, तो आपको आदत। वो वाली सेव हुई थी, हाँ, वो वो वाली वाली मीटिंग सेव हो से। चुकी है, वो वाली हो चुकी है। चलो, चारुलता जी फिर से कोशिश पूरी कर रही हैं वो, बिल्कुल, बस ये है कि उनके अरे डिवाइस में कुछ गड़बड़, मतलब उनको वो ऑप्शन शायद नहीं समझ में आ रहे। अब इस कॉल के बाद ना वो मुझे 10 बार कॉल करने वाली हैं कि ये नहीं वो मुझसे हुआ नहीं हो, मुझे बताओ। तो अब मैं उनकी वो बिटिया जैसी जो है उनको बोलूँगा कि भैया आप इनको समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि साथ में बैठ के दिखाना पड़ेगा कि फ़ोन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, और वैसा हाँ, कोई बाजू में बैठा होगा जो समझता है वही करवा सकता है। हाँ चलो, तो अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अभी अभी जिन चीज़ों को हमने सीखा है उनमें से आपको जैसा समझ में आए आप कोशिश करके देखिए, फिर हम उस पर चर्चा भी कर लेंगे। और अभी 5 बजने में कितना समय है, 2-4 मिनट ही हैं, तो अब मीटिंग का असल में समय लगभग 50 मिनट का होता है, इसलिए वो बीच में कट गई थी, वो लिमिटेशन है वेबेक्स की। तो अभी हमने फिर से जो लॉगिन किया लगभग 10 मिनट हम और आगे चलते हैं, क्योंकि फिर अभी 7 बजे हमारा बैच 1 जो चल रहा है उसकी चालू हो जाएगी, तो उसके बीच में मुझे थोड़ा सा अभी योग करना है तो उसका भी समय चाहिए, तो फिर वो सात आप योग भी से करते हैं? इसके बाद शाम के समय योग भी करते हैं? योग तो मैं दिन में लगभग 3 साढ़े 3 घंटे होता है मेरा, सुबह लगभग 1.5 घंटा और शाम को भी लगभग 1.5 घंटा, खाने के जस्ट पहले, तो जो मैं 2 बार खाता हूँ और वो खाने के पहले योग होता है मेरा। योग यानी आसन या फिर प्राणायाम या ध्यान? संपूर्ण योग है वो, तो उसमें आसन भी है, उसमें ध्यान भी है, उसमें कुंडलिनी भी है, उसमें शक्ति, मतलब लगभग 29-30 अलग अलग तरह के प्राणायाम है, बहुत कुछ है, तो मतलब वो सब कुछ है, बॉडी माइंड एंड एनर्जीज हर चीज पे काम होता है उससे। तो यदि आपने मैंने शांभवी दिन में महामुद्रा का नाम तनाव शांभवी सुना है मैंने। है ना, तो शांभवी तो एक है, और उसके थोड़ी और एडवांस्ड चीज है शक्ति चलन, जो कि बहुत सारे प्राणायामों का एक प्रकार है, तो फिर शक्ति चलन, तो ये दोनों चीजें दिन में होती हैं 2 बार। शक्ति चरण भी ईशा का ही है। हाँ, कुल मिला के प्राणायाम है, तो आप यदि प्राणायाम, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक प्राणायाम, मतलब जिसने शक्ति चलन सीख लिया वो अपने शरीर की किसी भी व्याधि को 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है, किसी भी व्याधि को, तो मतलब इतनी तनाव पावरफुल चीज है। तनाव वगैरह कुछ नहीं होता? तनाव वगैरह आपको मेरे चेहरे से क्या लगता कुछ होगा अंदर हम तो काफी तनाव सामने में पता रहते हैं चलता सर, है। ऑफिस में अरे काम करते स्वागत हैं। शिवानी जी, फाइनली मीटिंग खत्म होते होते शिवानी जी आ ही गई। नमो 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 नमो। तो आपका काम हो गया कंप्यूटर का?
ठीक है, तो इनमें से काफी सारी चीजें शिवानी जी को तो पहले से पता है, तो अब मैं वो वाली प्रश्नावली चालू कर रहा हूँ कपिल जी, जिसमें मैं कुछ भी इनमें से प्रश्न करूंगा और जो आपको सामने लिखे हैं हो सकता है यही हो, जो हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, तो आप प्रश्न के हिसाब से अंदाजा लगाइएगा। एक बार बोल के आप कंफर्म भी कर सकते हैं, पक्का करना चाहें कि यही प्रश्न है क्या, और फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद आपको शिवानी जी को पास करना है वही प्रश्न, ठीक है? तो अहम लिखामि संस्कृतम्, किं पठसि भवान कपिल महोदय? अहम लिखाम संस्कृतम मैंने पठसि पूछा है। लिखा अहम संस्कृत पठामि किम हाँ किम पठसि भवत्याः शिवानी भवती जी भवती भवती शिवानी जी अहम संस्कृतम पठामि किम पठसि भवती चारु है चारु की चारू है अच्छा जी की आवाज नहीं आ रही, वो है तो मतलब वो इन स्पिरिट तो है हमारे साथ बहुत देर से हैं, लेकिन उनकी आवाज ना आ रही तो आज उनको कोई, आज ना उनके आसपास कोई है नहीं, तो वो कोई बता नहीं पा रहा कि वो कैसे ज्वाइन करना है क्या करना है, तो चलो। अच्छा हाँ कि पठसी भवान अंशु महोदय अहम संस्कृतम पठामि, किम वदसि त्वं कपिल महोदय? अहम संस्कृतम पठामि किम किम वदसि? अहम संस्कृतम वदामि किम हाँ वदसि शिवानी किम वदसि भवती शिवानी जी अहम वदामि संस्कृतम किम वदसि अंशु महोदय अहम वदामि संस्कृतम्, मम नाम अंशु, भवतः नाम किम कपिल महोदय? अहम नामम मम कपिल नाम, मम नाम, मम नाम कपिल तो देखो मैं, भवती हाँ बोल लो, आप प्रश्न पूरा कर लो फिर हम बात करते हैं, प्रश्न पूछ लो। ये लिखा हुआ है। मम नाम कपिलः किं नाम भवति भवत्याः, भवत देखो जब आपको आपका पूछना है तो भवत्याः, और जब हम आप क्या कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जब सिर्फ आप लगाना है ना तब हमने भवान भवती उपयोग करते हैं जो ये इस भवान पेज पे है ना, लेकिन जब आपका क्या नाम है, आपका वाला जो एक्सप्रेशन है वो पूछना है, तब आप भवत्याः या भवतः कहेंगे। यानी कि आपका बेटा कहाँ है आपकी बेटी कहाँ आपके बेटा हाँ, भवत्या भवत्याः भवत्या पुत्र पुत्र कुत्र अस्ति, भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति, तो जब आपको वैसे पूछना है तो भवत्याः भवतः लगाना है, तो आपका पुत्र कहाँ है, आपकी पुत्री कहाँ है, आप भवत्याः कुक्कुरः कुत्र अस्ति, आपका कुत्ता कहाँ है, तो आप क्या ठीक है, और ठीक है आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर एक छोटी सी चीज मैं फिर से आपको बताता हूँ शिवानी जी से। मम नाम कपिलः त्वं नाम किं भवत्याः मम नाम शिवानी भवतः नाम किम अंशु जी को पूछ रही हो अभी ये हाँ हाँ मुश्किल हाँ 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 ठीक है, तो जिसके पास भी अगला कोई ऑप्शन नहीं है वो मेरे पास वापस आ जाता है, तो वही फॉलो करते हैं वो, ठीक है? तो मम नाम अंशु, अभी जब आप यदि भवान या भवतः लगा रहे हैं किसी भी बात में तो आपको त्वम लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका वही मतलब है, त्वम भी हम तुम के लिए बोलते हैं ना,
तो अब भवान या भवतः आपने लगा दिया तो उसका पहले ही मतलब हो गया कि आप या आपका। तो अब एक और चीज कि जब हम मम का उपयोग कर रहे हैं तो मम का मतलब है मेरा, तभी आप बोल रहे हैं कि मेरा नाम अंशु है या मेरा नाम कपिल है, मम नाम कपिल है, ऐसा आपने बोला है ना। लेकिन अपन जब अगले पेज पे आपने देखा कि अहम संस्कृतम पठामि, तो अहम का मतलब क्या है? मैं ठीक है, तो मैं और मेरा में आपको फर्क समझा कपिल जी? जैसे आप और आपका, जैसे भवान और भवतः में जो फर्क है वही मम और अहम में फर्क है, मेरा तो या मैं। मैं में बहुत अहम है तो अहम। हाँ, अहम इज इक्वल टू अहम। वाह, हाँ, क्या अच्छा बढ़िया डिस्कवर किया है। अच्छा सोचा है उसको याद रखने के लिए, कम से कम शुरुआत में याद रखने के लिए आसान हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है दोनों, हम अहम को कैसे अलग अलग समझूं? उपयोग से धीरे धीरे हो जाएगा। आप जैसे इसको वापस फिर से ये कभी वीडियो चला के सुन लीजिएगा, या मन में आप किसी से और पूछ के देखिए, घर पे किसी से भी, घर पे या मित्रों से, थोड़ी आदत पड़ती है वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि क्या फर्क है। जैसे आपने वो कुत्र कहा ना, कुत्र कहा, कुत्र, भवती भवत्याः कुत्र पुत्र, तो वो कुत्र में कुठे आ गया मेरे दिमाग में, कुठे कुठे है, कुठे वही मिल करे, पुत्र कुठे, पुत्र कुठे, भवतः पुत्र, पुत्रः कुत्र अस्ति। सो हम अपने तरीके से यदि हमको संस्कृत पुत्र मतलब कहाँ पे, पुत्र मतलब कहाँ पे। हाँ देखिए, अब आपने अंदाज से खुद ही समझ लिया कि इसका मतलब कहाँ है ना। तो जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ती जाती है हम अपने वाक्य खुद बनाने लगेंगे, तब आपको और तो मजा। आप कहाँ पे मतलब को डायरेक्टली भवतः कुत्र अस्ति। हाँ आप पुत्र हटा दी तो भवतः कुत्र अस्ति, आप किधर हैं, कहाँ पे हैं। जैसे फोन उठाया बोलते ना कहाँ पे हो, तो वही भवतः कुत्र अस्ति। संस्कृत। हाँ तो कुत्र से जुड़ी हुई दो तीन और शब्द हैं, जैसे इनके उत्तर वाले। तो जैसे आपको बोलना है यहाँ पे है, तो मेरा पुत्र यहाँ पे है, तो यहाँ इज अत्र। जैसे कुत्र मतलब कहाँ, वैसे अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। तो यदि मैं ऐसे, आप देखिए किसी को मैं इशारे से बताता हूँ, जैसे ये डब्बा है, तो अब और क्योंकि हम नाउन्स जो होते हैं, संज्ञावाचक जो शब्द हैं, उनको वैसे ही का वैसा भी रख सकते हैं। तो यदि आपने बोला होता कि मम नाम कपिल अस्ति, कपिलह की जगह, जैसे शिवानी जी अपना नाम शिवानी ही बोलेंगी, उसमें शिवानी ही वो विसर्ग नहीं लगा सकती, उनको शिवानी जी ही बोलना है, तो वो बोलेंगी मम नाम शिवानी। हाँ आप लगा सकते, हाँ क्योंकि हाँ वो नहीं लगा सकते, नहीं फीमेल की बात नहीं है, जो भी नाम अकारांत शब्दों पे खत्म होते हैं, तो आपका नाम जो है कपिल, तो ये जो अंत है इसका अकारांत है, इसको अकारांत बोलते हैं, जो अ के ध्वनि पे खत्म होता है। जैसे शिवानी जी का जो नाम है वो इकारांत शब्द है, इकारांत में आप विसर्ग नहीं लगा सकते। अंशु जो है मेरा नाम, उसमें भी ये उकारांत शब्द है, ऊ पे खत्म होता है। फिर जैसे गीता या मोहा, तो गीता जी भी अपने नाम के अंत में विसर्ग नहीं लगाएंगी, तो सिर्फ अकारांत जो शब्द हैं उनमें अंत में आप विसर्ग लगा सकते हैं। नवीन मतलब जिसमें कोई भी अक्षर अ से खत्म होता है, आनी अ से। हाँ तो जैसे गीता जी, शिवानी जी, ये लोग भी विसर्ग नहीं लगाते, वो अपना नाम सीधे बोल सकते हैं। और संस्कृत में ये जरूर स्वतंत्रता है कि जितने संज्ञा वाले शब्द हैं तो उनको आप जैसा आम भाषा में बोलते हैं वैसा का वैसा भी बोल सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूं आईफोन, आईफोन अत्र अस्ति, तो
अत्र मतलब ये यहाँ पे है, आईफोन का डब्बा, ये मैं कम से कम डब्बा ही दिखा रहा हूँ, तो आईफोन अत्र अस्ति। अब मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया, तो जब भी कोई चीज आपके हाथों के अत्र दूरी से ज्यादा दूर पे है, जितनी भी चीज अपने हाथ के अंदर है वो अत्र है, लेकिन उससे थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो वो तत्र हो गया। वहां अब मैं बोलूंगा आईफोन तत्र अस्ति। अभी तो फिर भी हाथ नहीं पकड़ा हूँ क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा दूर यदि कोई चीज होगी तो आप तत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अत्र यहाँ, तत्र वहां, पुत्र कहाँ, और इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है अन्यत्र, और इसको तो आप शायद समझ जाएंगे। अन्यत्र मतलब क्या? कहीं और अन्य स्थान, कहीं और। हाँ कहीं और। तो जब आपको मान लो नहीं पता है कि कोई चीज कहाँ है तो आपने बोल दिया कि कहीं और है, या आपको नहीं बताना कि कहाँ है तो भी आपने बोल दिया कहीं और। चार अत्र तत्र अत्र तत्र हाँ, और पुत्र। पुत्र में क्वेश्चन मार्क तो इसको आप कहाँ है। इशारे के साथ कीजिए तो हमेशा याद रहेगा कि भवतः पुत्र कुत्र अस्ति, तो कुत्र में आपने ये एक प्रश्नवाचक साइन है। ठीक है, अत्र अस्ति, अत्र अस्ति, फिर तत्र अस्ति तत्र अस्ति, और अन्यत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति। ये तो है ना। कठिन अरे, और संस्कृत की डांस कक्षा में बिल्कुल ऐसे ही सीखते हैं लोग, 10-20-20 लोग भी बैठे हो रहते हैं, तो बिल्कुल यही शिक्षक जो है यही सिखाते हैं कि समझ लो उपनेत्रम, तो उपनेत्रम मतलब यदि मैं चश्मा लगाता होता तो उपनेत्रम मतलब चश्मा, तो मैं पूछूंगा उपनेत्रम मम उतरे उपनेत्रम कुत्र अस्ति, तो मैं बोलूंगा मम उपनेत्रम अत्र अस्ति। ये हाँ, आत्र लेकिन जब भी मेरे से दूर वाली चीज है तो बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, बाकी जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो बोलेंगे तत्र अस्ति, क्योंकि उनसे तो दूर है वो। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है, आपको ये वाले और पढ़ने में आज मजा आ रहा होगा, सर्वत्र अस्ति। जगह तो वायु कुत्र अस्ति कपिल जी? सर्वत्र सर्वत्र अस्ति। तो सर्वत्र। सर्वत्र के लिए आप ये वाला इशारा कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज अब हमको रुकना होगा, तो कक्षा समाप्तम करोमि। आशा है कि आपको आनंद आ रहा है और सब लोग साथ में मिलके सीखेंगे, उसी का आनंद असल में होता है, अकेले बैठ के पुस्तक पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता। तो और हमको ये माहौल मिल रहा है एक दूसरे से संस्कृत में बात करने का, नई नई चीज़ें कोशिश करने का। आपके मन में कोई नए प्रश्न आते हैं या कोई वाक्य आते हैं जो आपको लगता है कि चलो इस बार मैं कक्षा में उपयोग करूँगा, तो आप अपने कहीं नोट करके रख लीजिए, कल भी है 4 बजे फिर से, तो आ जाइए, फिर मिलते हैं। सर्वेशाम नमो नमः। नमो नमः।